अरे आउटिंग कर रहा बच्चा। हेलो ये लो पैको पैको, अपने हाथों से खिलाओ इनको, खिलाओ अपने हाथों से, जल्दी दे। अरे अब वाओ क्लैपिंग। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, मजे में होंगे। आपका भाई आ गया है दरबार के पास, इनको देंगे हम कबूतरों का दाना। आज हमारा दिल कर रहा था नवेद बिरयानी खाने को, मुल्तान की बड़ी फेमस है, सॉरी बिरयानी का नाम है बट वो है पलाव, नवेद पलाव। तो परस शरस निकाल लेते हैं, गाड़ी को हम कर देते हैं बंद और निकलते हैं बाहर की तरफ। अल्लाह खैर है अल्लाह, तो जाके लोगों को देंगे जेडे बैठे पैसे पूसे बन देंगे ने थोड़े जे वो लैके साढ़े। उससे पहले तो इसी देख लियो ना कि रश है, कबूतरों में दाना दे देते हैं दे देते हैं। और उसके बाद आज तो माशाल्लाह कबूतरों को भी लाइन लगी, बड़े ट्रिप ट्रिप आए हुए, ये देखो सारे ट्रिप ट्रिप आए हुए। देना जी एक ये 1000 रुपये मैंने खुला दो, पंजा पंजा ले दे दो। ये आ गई जी हमारी प्लेट, देंगे जी गाय तुम लोगों को। सारे पत्ते ही ला दिए, सारे पत्ते ही ला गए पागल। आ रखे यहाँ रखते हैं, यहाँ रखा जाएगा। आज रहना बाबा जी इसके ऊपर रख देंगे गाइस, अगर ना गिरा तो। देख रहे हो ऐसे सारे फेंक देते हैं ऐसे, क्या जरूरत है ऐसे कर दे। देखो बच्चा, देखो बच्चा क्या, देखो कैसे आउटिंग कर रहा बच्चा। हेलो ये लो पैको पैको, अपने हाथों से खिलाओ इनको, खिलाओ अपने हाथों से, जल्दी दे। अरे अब वाओ क्लैपिंग, थैंक यू। इतने सारे बंदे बैठे हैं, मैं पैसे एटीएम से निकलवाने पड़ेंगे, चलो देखते हैं क्या करते हैं। ले जी पंजाब जाने नहीं है, ये 500 बंदा है, ये बाकी पंजाब जाने नहीं और ये 500 बंदा है। चलो चलो आओ ये तो पंजाब जाते कर लो। अच्छा एक मिनट, एक मिनट तो दे रहा हूँ मैंने करे। अच्छा मेरे पास कहाँ थे, इतने थे बस दे दिए मैंने तो। हेलो गाइस चले, ये तो ऐसा पड़ गया मेरे पीछे, मैंने बंदे क्या कर दियो, चले गाड़ी में बस। गाइस मैंने तो सोचा था कि 2-4 बंदे आएंगे, ये तो 100 बंदा आ गया। 1000 रुपये खुला कराया था, मैं थे नहीं पैसे, उसको दे दिए राइस वाले को ना, मैंने कहा चलो एटीएम से निकाल लूंगा। तो मैंने तो कुछ और सोचा था, रिकॉर्ड सारा कुछ रिकॉर्ड हो गया इसका। वैसे मैं देख रहा हूँ कि बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे भाई, हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं मुल्क के। चलते हैं गाइस सीधा। अच्छा यार आप लोगों से बात करनी थी। अच्छा मैं करता हूँ एक मिनट, मैं गाड़ी चला लूँ, जरा पुलिस वाले खड़े हैं, मेरा चला नहीं ना करते जी। गाइस मैंने एक बात करनी थी, बात क्या करनी थी यार, आप लोग ने एक ही बात कर रहे हैं, खिजर कहाँ गया तुम्हारा, बब्बर शेर कहाँ गया। यार खिजर मेरा भाई है, भाई था और रहेगा। अब हर बंदे की अपनी मसरूफियात होती हैं, अपनी ज़िंदगी होती है, हर बंदे के अपने काम होते हैं। आपके सामने मैं कितने दिनों से टेंशन में हूँ, मेरे अपने मामलात नहीं ख़त्म होते। मैंने जाना था लिए भाजन गए हैं इस्लामाबाद, उनको वहाँ पर कोई काम है। अगर आपको नहीं पता तो उनकी टिकटॉक आईडी जाके चेक कर लो। मेरी कल रात भी गुफ्तगू हो रही थी और मैं उनका दोस्त हूँ, उनकी बीवी नहीं हूँ, 24 घंटे साथ रहूँगा। दोस्तों के हकूक़ होते हैं मेरा भाई। रही बात फिर आप कहते हो जी वेला मुंडा, भाई वेला मुंडा से भी मेरे कोई मामला ऐसे नहीं है। जो हमारे मेरे दिल में बात थी मैंने आप सबसे कह दी थी, कोई हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी और कोई मसला मसाइल नहीं था। उनका 2-4 दिन पहले मैसेज आ गया था, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था लेकिन आज वाली वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उनका मैसेज आ गया था, उन्होंने कहा जी जिससे भी गलती हुई है हम एक दूसरे को माफ़ करते हैं। मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे हमें भी खुश रखे। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, वेले मुंडे से भी कोई हमारा कोई ज़ाती दुश्मनी, कोई ख़ानदानी लड़ाई, कोई जायदाद के झगड़े, ऐसे कोई मामलात नहीं है भाई। इसके साथ भी हो गए मामलात बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी वो अपने घर खुश रहे हम अपने घर खुश रहे। रही बात खिजर भाई की, तो खिजर भाई यार भाई थे हैं और रहेंगे, इसमें क्या मसला है?
इधर भाई फ्री हो जाएं, हम भी फ्री हो जाएं। देखो जी, बंदा फ्री होकर रिलैक्स होकर तो मिलता है ना किसी से भी। आप लोगों ने एक ही बात पकड़ी हुई है, बब्बर शेर कहाँ गया, तुम्हारा दोस्त कहाँ गया, तुम्हारे व्यूज गिर गए हैं, तुम्हारे सब्सक्राइबर कम हो गए हैं। यार ये सारी चीज़ें नसीब की, अल्लाह जिसको दे। मेरा भैया जिस तरह ना मैसेज करते हैं ना कोई बात करते हैं बिला वजह की ना, मैं मैसेज सारे पढ़ता हूँ, मुझे रमान पढ़ के बता देता सारे मैसेज। तो अब मैंने इसकी रात को लगाई है क्लास, अब ये सारे मैसेजों का आपको जवाब भी दिया करेगा। मैंने कहा तू वेला बैठता रात को तो लोगों को जवाब दे दिया कर, अभी आज से आपको फेसबुक पे भी जवाब देगा, इंस्टाग्राम पे भी जवाब देगा, यूट्यूब पे भी जवाब देगा, यानी कि हर जगह आपको जवाब देगा। लैपटॉप के अंदर हमने हर चीज़ लॉगिन कर दी है। पहले तो ऐसे होता था, थोड़ा सा मामला डिस्टर्ब रहते थे एडिटिंग ये वो, तो रात को एडिटिंग करते थे, टिकटॉक लाइव पे बैठते थे। तो अब इसको मैंने लैपटॉप पे हर चीज़ लॉगिन कर दी है। या आप सब भाइयों का जवाब दिया करेगा और आप लोग फतेहुल कमेंट्स ना किया करें, प्राय मेहरबानी। चलते हैं सीधा शोरूम पे, टाइम होगा थोड़ा ज़्यादा। और यार लाइसेंस बनवाने का सोच रहा, लाइसेंस मेरा बना हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसको रिन्यू करवाना है, 2-3 साल हो गए एक्सपायर को, तो मैं उसको इंटरनेशनल करवाना चाहता हूँ। देखते हैं जी क्या प्रोसेस होता है उसके अंदर भी। कल जाएंगे तो टाइम ओवर हो गया, 4:30 बज गए, तो आपको भी दिखाएंगे क्या प्रोसेस है इंटरनेशनल लाइसेंस करवाने का और इसको रिन्यू करवाने का, कितने पैसे लगते हैं, सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में बताऊँगा। आज तो एक दोस्त आ रहा है, उसको एक डाला देना गाड़ी, तो उसी डील में लगते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, जवाब भी उसी को मिलेगा जिसके कमेंट्स अच्छे होंगे। हाँ, ये भी रमान ने अच्छी बात की कि जवाब भी उसी को मिलेगा जिसके कमेंट्स अच्छे होंगे, जो समझ मुनासिब होंगे, जो समझदार आदमी होगा उसको जवाब दिया जाएगा, जो मेरी तरह बेवकूफ़ होगा उसको जवाब नहीं देंगे। ठीक है मेरा भाइयों। गाइस आज फिर, खैर आज तो नहीं, 2-3 दिन से टूटा हुआ था, मैंने कहा आज जुड़वा ही लेते हैं, शोरूम पे तो जा रहे हैं, जल्दी जा रहे हैं ना, आज दिन में जा रहे हैं ना, वरना तो रात में जाते हैं अक्सर। हाँ जी, अब क्या टूटा जी, नक्कड़ फिर टूट गया, बन गया नक्का। हाँ जी, बन गया जी माशाल्लाह। शोरूम पे बम्पर अलहमदिल्ला हमारा यस कमांडो हो गया था, गाड़ी सर्विस अभी नहीं कराई, देख रहे हैं बीटे शीटे, आज तो इधर ही बीटे आ गई हैं। कबूतरो तुम्हारी ऐसी की तैसी, उन्होंने हमें तंग किया हुआ है, अल्लाह की कसम बहुत तंग किया है उन्होंने, ये हमने लगा दी चुम्मी चुम्मी हुई गाइस। अच्छा यार गाइस, काफ़ी लोग ना कमेंट्स कर रहे थे कि भाई सामान तो सामान लो यार, गाड़ियों का रिव्यू दिया करो भैया, आपको गाड़ियों का रिव्यू इतना अच्छा लगता है, मुझे नहीं पता था, पता लग गया। इंशाल्लाह डेली बेसिस पे आपको गाड़ियों का रिव्यू देंगे, गाड़ियों के बारे में बताया करेंगे आप लोग, आप टेंशन ना लिया करें। चलते हैं अंदर, आज कौन सी गाड़ी पकड़े। हाँ मुझे बताया करें ना भाई, ये वाली गाड़ी का रिव्यू दो हमें, तो ताकि मैं उस गाड़ी के बारे में आपको बताया करूँ, आपकी नॉलेज में इजाफा किया करूँ। हमारे आपको बताइए लग कैसा रहा, तो बताया नहीं आपने कमेंट्स में, साथ साथ बता दिया करो यार। कौन सी गाड़ी के बारे में बताऊँ आज आपको, MG के बारे में बताऊँगा, एक मिनट सर अंदर चल लूँ, MG के फंक्शन वगैरह सारी चीज़ें बताऊँगा 2 मिनट बाद। आपको दिखाते हैं, MG की बात कर रहे थे हम आपसे, आज आपको MG के बारे में काफ़ी डिटेल देते हैं, MG के अंदर कौन कौन से फंक्शन है। सबसे पहले तो इसके अंदर आ जाता है बम्पर सेंसर, ये गाड़ी टू 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 करती है, ये 1500 cc होती है, टर्बो चार्ज इंजन होता है, टर्बो का मतलब होता है एक्स्ट्रा पावर, और 3 मोड्स होते हैं इसके अंदर, डुअल सिलेंसर है, एक सिलेंसर यहाँ लगा हुआ है, एक सिलेंसर वहाँ लगा होता है, टर्बो गाड़ी जो भी होती है उसके अंदर डुअल सिलेंसर ही होता है। पार्किंग सेंसर है इसके अंदर, ट्रॉफी एडिशन है ये लगा हुआ है, ट्रॉफी एडिशन का मतलब है थोड़ी सी ऊपर लेवल है, एक MG है, MG ट्रॉफी है, ये ट्रॉफी लेवल है ठीक है। और ब्लैक रंग है इसका, बेज इंटीरियर के साथ है, और बहुत ही ज़्यादा सामान से लेज है गाड़ी है ना, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, गाड़ी ब्रांड न्यू गाड़ी है। इसके अंदर जी लेफ्ट होती है, इसके जो वाइपर होते हैं ना, शीशे वगैरह वाइपर होते हैं, इसके लेफ्ट पे चलते हैं, यानी कि उल्टा चलाएंगे तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। सीधे हाथ पे इसके होते हैं शावर, यानी कि पानी वगैरह। पैडल शिफ्टर की इसमें ऑप्शन है, ये माइनस है वो प्लस है, पोस्ट स्टार्ट की ऑप्शन है माशाल्लाह। थोड़ी सी अगर इसकी पेट्रोल एवरेज अच्छी होती ना, तो अल्लाह की कसम ये सारी गाड़ियों को ना कम्पीट करती, इसकी पेट्रोल एवरेज थोड़ी अच्छी नहीं होती, 7-8 की एवरेज होती है, बनिस्बत किया स्पोर्टिज की एवरेज 10-11 है, और टोसॉन की एवरेज भी अच्छी है, लेकिन लग्जरियस के हिसाब से ये गाड़ी इतनी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। इसकी चीज़ें आप देख सकते हैं, लैन असिस्ट है इसके अंदर, ये ऑटोमेटिक इसकी हैंड ब्रेक है, उसके बाद प्लस माइनस, यानी कि ऑटो भी चला सकते हो, माइनस भी चला सकते हो, कंसोल बॉक्स है, USB पोर्ट की भी ऑप्शन है इसके अंदर, ऑप्शन से लेज़र लेज़ है, पैनोरामिक सनरूफ है, यहाँ से जाएगा एंड तक जाएगा,
उसके बाद कंसोल बॉक्स आपको दिखाते चलें, कंसोल की जगह अच्छी है, इंटीरियर इसका बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, बेज एंड ब्लैक। अगर आप इसके अंदर ले लें ब्लैक और रेड, वो कॉम्बिनेशन भी बहुत मज़े का है। ये देखें हर चीज़ इसकी ना ऐसी है जैसे पता नहीं आप किस गाड़ी में बैठ गए। सिर्फ ये एवरेज की वजह से गाड़ी मार खाती है। और इसका अभी मुल्तान के अंदर ना वो नहीं है सर्विस स्टेशन, सर्विस स्टेशन से मुराद जैसे टोयोटा का शोरूम है ना, तो मुल्तान एमजी अभी नहीं आया, इसका लाहौर या फैसलाबाद में एमजी। इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हैं मुल्तान के लोग, बाकी कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर एवरेज का मसला नहीं है तो गाड़ी ये बहुत ही ज़्यादा लग्जरी है। रिडार सिस्टम इसके अंदर होता है, मिरर इसका कैमरे वाला है, और इसके मोड शोड चेंज हो रहते हैं। ये तो ग्लासेस होल्डर तो आजकल हर गाड़ी के अंदर ही आ रहा है, बंद हो जाओ भाई, तुमने किसने कहा तुम बंद हो। चलते हैं गाइस सीधा घर, भूख शूख लग रही है। एक दोस्त आया था, उसको गाड़ी बेची है, रिवो डाला, बहुत ही प्यारा भाई था उसका, आगे एक दोस्त था दुबई का, तो उसको भी डाला बेचा, बयाना शाना कर गया 5 लाख रुपये। सुबह पेमेंट करें गाड़ी ले जाएगा, अब रात को तो पेमेंट हम लेते भी नहीं है, अकाउंटों में पेमेंट रहते हैं, अब बैंक बंद हो गए थे। सुबह वो आएगा इंशाल्लाह और आपके सामने डिलीवरी देंगे। डिलीवरी किस तरह दी जाती है और किस तरह खुशी होती है बंदे के चेहरे पे जब वो एक नई चीज़ लेता है, बाकी खुशी का तो आप सबको बेहतर ही पता होगा। फिलहाल भूख लग रही है बड़ी टिका के, चलते हैं बाहर। बाहर से एक आपको लुक दिखाते चले, पूरी की पूरी लुक देते चले आपको गाड़ी की। ये देखें फ्रंट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है इसका, बदमाश लगती है, काले रंग वैसे हर गाड़ी के ऊपर बदमाश लगता है। रहमान साहब को बुलाते हैं, रहमान साहब अंदर आउटिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। रहमान किधर है, रहमान आ जा। वो देखे जी रहमान साहब खड़े हैं अंदर बड़े मजे से। बाकी शोरूम आ रहा आपको दिखाते चले कैसा लग रहा है। ठीक है जी चले, गाड़ी हमारे पीछे खड़ी भी है, रहमान साहब आ गए, चाबी भी रहमान साहब के पास ही है, हमारे पास तो है कोई नहीं। अच्छा अंकल अल्लाह हाफिज। ये डाला दिया है मैंने ना, दिखाता हूँ आपको कौन सा डाला दिया है। कराची नंबर लगा हुआ है, 22 मॉडल है, सेंसरों वाला डाला है, यानी कि 22 का एंड है। ये देखें इस वाले डाले का 14 की है, इसमें सेंसर तो लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, इसके अंदर ऑप्शन आते हैं। शॉपर वगैरह पूरे करवा देना सुबह इसके, LCD बड़ी लगी हुई है इसकी। ठीक है चलो रहमान साहब चलिए। घर सीधा आज तो माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे ने लाइटें जला रखी है। रहमान साहब उतरो। अच्छा गाइस अपनी गाड़ी में एक फंक्शन और है, मैं पैर हटाऊंगा अपने आप बंद हो जाती है, ये इको आइडल ऑफ करेंगे, लाइट ऑफ करेंगे। और ना ये पहले तो थी ना इसकी बैटरी खराब, पहले ये फंक्शन इसके अंदर ऑन नहीं था, जब से मैंने बैटरी चेंज कराई इसके अंदर ये फंक्शन ऑन हो गया। तो निकलना बड़ा औखा होता है जब इस ना रेड पे खड़ी करो ना इसको, फिर इसमें तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। फिर दौरा पै गया, फिर दौरा पै गया, कभी कभी चल जाती चाबी कभी कभी नहीं चलती। थोड़े पाए का टेढ़ा बढ़ता जा रहा है, साढ़ा पेट ना बढ़ता जा रहा है, इंशाल्लाह काम करेंगे। और लाइटें चलने के बाद देखो हाल ही में नीचे दी लाइटें चल रही ने, 1 2 3 4 5 5 इधर दी हैं, तो 10-12 लाइटें चल रही ने, तो घर कितना सोना हो गया। चलो जी अंदर चले, आज रहमान साहब चलो भैया चलो अली साहब नीचे से कुछ ऐसा हो गया, टाइले शाइले जो कल निकाली थी जबरदस्त हो गई हैं, ऐसे लग रहे थे क्रिकेट खेल। रहमान बैट बॉल लेके आ, बैट बॉल लेके आ, बैट बॉल खेले आराम से, आराम से आ जा, आराम से आ जा। चल चल ना चल रोटी खिला, खाना खिला हमें। गाइस तो इतना मैदान हो गया कि हम यहाँ पे वो खेल सकते हैं बैट बॉल। ये देखो भाई ऊपर बैठ जा, ये तो देख लो ऊपर क्यों नहीं बैठता तुम, ऊपर लेट दो तेरी माँ की मुर्गी मुर्गी मुर्गी, ऊपर बैठ जा तुम, सुनो मम्मा कहाँ है। हाँ जी क्या कर रही हैं आप, मैं क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं आप। अच्छा जब अच्छी तरह तैयार हो, जब तू जा रही कहाँ है, कहाँ जा रही हो आप, तैयार हूँ तब भी तुम्हारे मसले मसाइल, कहाँ जा रही हो आपको पता है शाम को हम लोग तैयार होते हैं, तैयार तो होते हैं, जा कहाँ रही हो, जा रही कहीं भी नहीं, रोटी खिला दो फिर ला रही। क्या बनाया, मगज बना हुआ और क्या फिश है। अच्छा चलो दे दियो घड़ी, वो ला कर देता हूँ आज आपको घड़ी। आज हमारी मम्मा कह रही है हमने जाना था सुबह मदरसे पे, और ना घड़ी चाहिए मुझे ना नंबरों वाली। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ये नवी भाई के ससुर जी हैं।
हमारी मम्मा का मोबाइल भी चोरी हो गया, मजदूर भाग ले गए, चोरी हो गया। देखो कब चोरी हुआ आपका? दो दिन हो गए। भाई मम्मा का मोबाइल चोरी हो गया। चलो चलो अच्छा चलो मम्मा को मोबाइल भी ढूंढ के देते हैं जो बने। नहीं नहीं बाहर से लेके देते हैं, ये कह रहा हूँ मैं यार। शोर तो बंद कर दो तुमने, अल्लाह की कसम शोर ही तो ना किया हुआ। पागल हो तुम? चीचू मिचू मम्मा जल्दी से खाना, तो भाभी खाना ले आओ जल्दी से। देख रहे हो उसके दांत? देख रहे हो? तुम्हारे दांत दिखाओ पहले, टीथ दिखाओ, टीथ दिखाओ इधर आओ। कहाँ गए? चूहे ले गए? अरे तो और मैं भूल गया वीडियो बनाना, दिमाग से निकल गया। आज बीपी लो था। खाने में क्या है? ये क्या नाम है साग? तो ये मगज है, चिकन है। चर्ची कहाँ से हम? अच्छा कढ़ाई। अच्छा वो फिश फ्राई करके लाऊं? नहीं फिश नहीं, मैं तो ये भी नहीं खाया जा रहा। मैंने थोड़ा सा मगज निकाला, बस बहुत है, कौन खाएगा? लेकिन पहले दिन कमी मेरी बाहर नहीं कर रही है। और आप लोग डाइटिंग कराने के बजाय मुझे चीजें खिलाएं। तो नहीं भाभी आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र आप ठीक हैं। आपके हस्बैंड नहीं आए? हस्बैंड नहीं आए, 8 बजने वाले हैं अभी, इनके हस्बैंड नहीं आए। और ये मूसा साहब ने हमें पकड़ लिया, कहता मेरे से खेलो मारो। जा इधर ले ना मूसा, मुझे तो होना याद नहीं देते थे। चले दो मारो ये हम इसको। जल्दी दे जल्दी दे। अभी ना इतना खुला मैदान हो गया ना, खाली पड़ा है। पहले तो यहाँ चेबरे कमले टेबलें सारी चीजें पड़ी होती थी, अब अलहमदुल्ला यहाँ कुछ नहीं, खाली पड़ा। जल्दी फेंक जल्दी फेंक। हाँ मैंने से वो भी नहीं लगी और ये भी नहीं लग रही। और ये देखो। जी तो दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ।